जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी चर्चा का विषय यही बना हुआ है। वेस्ट यूपी में मेरठ में मैं मौजूद हूँ और सवाल वही है कि क्या वेस्ट यूपी के लोगों को लगता है कि पूर्वांचल में एकमात्र बीजेपी के पास ऑप्शन यही बचा था कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़वा दे। क्या अगर मथुरा से चुनाव लड़ते योगी आदित्यनाथ तो क्या बीजेपी को फायदा नहीं? देखिए वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका विवेक है, वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें। वो पहले मथुरा को बेहतर समझ रहे थे, फिर मथुरा को छोड़ के वो अब अयोध्या चुनाव लड़ने या गोरखपुर चुनाव लड़ने चले गए, वो उनका विवेक है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? आपको क्या? देखिए निश्चित तौर पर उनका सफल कार्यकाल रहा है, 5 साल के सफल मुख्यमंत्री रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने प्रदेश को एक बहुत अच्छा अपना नेतृत्व दिया है, तो उनका विषय है। और गोरखपुर में भी ऐतिहासिक जीत होगी और प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होगी। गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत होगी योगी आदित्यनाथ, वो समय बताएगा। एग्जाम लिखने से पहले सभी को एग्जाम अच्छा जाता है, परिणाम तय करता है। परिणाम तय करता है, एसपी कह रही है परिणाम तय। देखिए निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के ऊपर सरकार बनने वाली है, अपने कार्य के बल पर बनने वाली है। हमने जो किया है हम उसके लेकर, उस कार्य को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमने लगभग 1.5 करोड़ उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन दिए हैं, हमने 7,60,000 पेंशन दी है, हमने 46 लाख प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान दिए हैं, हमने मेरठ के अंदर 6 एक्सप्रेस हाइवे दिए हैं, रैपिड रेल दिए हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मैं ये कहना चाहता हूँ इन भाई साहब से कि कितना विकास किया है आपने, एक्सप्रेस वे बनवा दिए पर गाँवों की सड़कें तक नहीं बनी, कोई सा भी विधायक ने सड़कें नहीं बनवाई है, बिजली पर 14,935 किलोमीटर जितने भी ग्रामीण हैं उनको मुख्य जोड़ा गया है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, एशिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में और एशिया में सबसे ज्यादा गरीब आदमी उत्तर प्रदेश के लिए बता देता हूँ। अभी आधे रेट करे हैं इसी सरकार ने किए हैं और अगर आपको देखना हो किस प्रकार से खुश होंगे, आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया, आपके लगभग 8 लाख लोगों को पेंशन दी जिसमें दिव्यांग जन जिनका मैडम नहीं माइक मत दो बातें है ना, खास तौर से जो किसान बिल्स हैं उन पे मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ बीजेपी के साथी खड़े हैं, सिर्फ दो एक बात का मेरा जवाब दे दें कि अगर वो बिल गलत थे सही थे तो हटाए क्यों, और अगर गलत थे तो लाए क्यों, बनाए क्यों? 750 लोगों ने शहादत दी, इस देश के मंत्री ने, मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और आज तक वो मंत्री केंद्र में बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये फैसला बीजेपी ने लिया है, लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय जो कि वेस्ट यूपी के लोग हैं इनके लिए चर्चा का विषय तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर के इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को लड़ाकर। रोमाना ABP News, आपको रखे आगे।